पांडे का वीडियो सामने आने पर बोला है यूक्रेन अभी हम हमले का डेटा समझ रहे हैं, ये सफाई दी गई। मारे गए लोगों की अभी पहचान की जा रही है। देखिए, एक तरफ खुशी का इजहार सामने आ गया था, कमांडर विक्टर और 34 नेवी ऑफिसर्स के मारे जाने का जश्न मनाया जा रहा था यूक्रेन में और इसकी तस्दीक की जा रही थी। अब ये कह रहे हैं कि अभी तक पहचान हो नहीं पाई है, डेटा समझने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और अहम खबर, ज़ेपोरिजिया में कब्जे की जंग और भीषण हो गई है। रूस ने यूक्रेनी टैंकों के काफिले पर हमला कर दिया है। यूक्रेन को जर्मनी से मिले टैंकों को टारगेट किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक कैसे हो गए तबाह, देखिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं, यूक्रेन का रूस पर हुआ है भीषण हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक में आग लग गई और आग बुझाने के लिए पानी में उतरना पड़ा रूसी टैंक को। ये देखिए, सबसे पहले रूसी टैंक को टारगेट करके ये हमला किया जाता है, विस्फोट होता है, धमाका होता है और ये रूसी टैंक है जो कि आग के गोले में तब्दील होता नजर आ रहा है। लेकिन फौरन रूसी टैंक आगे बढ़ता है और पास में ही पानी नजर आता है, पानी में उतरता है रूसी टैंक आग को बुझाने के लिए। और वहीं रूस की नेटो को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी सामने आ गई है। पुतिन के करीबी मेदवेदेव ने नेटो को एक बार फिर धमकाया है। लंबी दूरी के हथियार का मतलब विश्व युद्ध होगा। यूक्रेन को अब्राम्स देने पर रूस दरअसल भड़का हुआ है। नेटो से सीधे जंग की आशंका बढ़ती नजर आ रही है, ये मेदवेदेव की तरफ से कहा गया है। तो क्या यह माना जाए कि रूस की चेतावनी के बाद विश्व युद्ध की घंटी बज गई है? जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स दे देते हैं। देखिए, दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है एक बार फिर से, यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है समीर। बिल्कुल, और दिमित्री मेदवेदेव इससे पहले भी इस तरह की धमकियां दे चुके हैं। यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी मदद से बहुत नाराज नजर आ रहा है रशिया, पुतिन का मुल्क भड़का हुआ है। जी हाँ, अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राम्स और साथ ही ATACMS दिए हैं, धमकी की वजह यही है, इसलिए बार बार रूस की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है। अब्राम्स और ATACMS से रूस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, अब्राम्स टैंक देने के बाद तनाव और बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। यूएस के हथियारों से रूस में हमला कर रहा है यूक्रेन और यही रूस के गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। सवाल क्या है? सवाल यह कि क्या रूस और नेटो के बीच जंग की आशंका और ज्यादा बढ़ती हुई हम देख रहे हैं? जी हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब रूस और नाटो के बीच हम देखेंगे आमने सामने की जंग। आलोक सहाय जी, यही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि रूस तो ये मान चुका है कि यूक्रेन के साथ ही नाटो के 30 देशों के साथ उसका युद्ध है, क्योंकि बार बार यूक्रेन तक मदद पहुंचाई जा रही है रूस की ओर से चेतावनी जारी करने के बावजूद। लेकिन नाटो को गुस्सा कब आएगा, कब हम देखेंगे कि नाटो के देश भी अब रूस के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगे? फिलहाल इस टेंशन के बीच क्या कहेंगे आप? देखिए, नाटो डायरेक्ट उलझेगा नहीं, सीधी लड़ाई नहीं होगी। ना रूस सीधी लड़ाई चाहता है नाटो से, ना नाटो सीधा उलझना चाहेगा, क्योंकि वो तो एक विश्व युद्ध होगा और सबका उसमें अंत होगा जी। लेकिन युद्ध में क्या होता है कि जब इस तरह से आसपास की सीमाएं बिल्कुल लगी हुई हैं, वहां अगर आक्रमण हो रहा है, वहां मिसाइल अटैक हो रहा है, या अमेरिका ने जैसी अभी घोषणा कर दी है कि अब लॉन्ग रेंज की वो मिसाइल्स देगा। लेकिन सर, इस उकसावे की कार्रवाई की कोई तो लिमिट होगी। जी हाँ जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा खतरनाक किन कारणों से हो रहा है। एक तो लॉन्ग रेंज मिसाइल देना, जो कि रूस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके अंदर में डीप जाकर के मिसाइल, यूक्रेनी मिसाइल अटैक कर पाए। दूसरी बात की एक और चीज है, जो एंटी टैंक इन्होंने गोले दिए हैं जी, उसके जो वार हेड पे डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जो ब्रिटिश ये है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है रूस का। और रूस कह रहा है कि भाई आपने किसी भी तरह से यूरेनियम का तो इस्तेमाल आप कर रहे हो, तो फिर मैं क्यों ना करूं। हाँ। तो क्या इससे एक खतरा है, इससे एक खतरा है कि रूस कहीं ऐसा ना हो कि वो भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए बाध्य हो जाए। ये खतरा तो साहब देखिए बढ़ता हुआ सीधे तौर पर हम देख रहे हैं।